उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में एक विधानसभा सीट है रुधौली। कहते हैं सीट पर हवाओं का रुख इधर से उधर हो जाए, फिर भी एक शख्स की अटल जीत को कोई टाल नहीं सकता। संजय प्रताप जायसवाल। संजय का मतलब होता है विजयी, जिसके नाम ने ही बचपन से जीत की बुनियाद रखती हो, उसे वक्त, हालात, जज्बात भला कैसे हरा सकते थे। आज कहानी ऐसे ही संजय की। तिनका तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा, लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन गए विजय भर। बस्ती के रुधौली सीट से विधायक संजय जायसवाल की कहानी। संजय जायसवाल का जन्म 12 फरवरी 1971 को हुआ। बस्ती के जिला स्कूल से पढ़ाई पूरी की। 1990 में हायर इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करने देहरादून चले गए। 1994 में संगीता जायसवाल के साथ शादी हुई। संगीता जायसवाल रुधौली से बीजेपी के टिकट पर फिलहाल चुनाव लड़ रही है। इस बार संजय की जगह पार्टी ने उनकी पत्नी को चुनाव मैदान में उतारा है। पर संजय जायसवाल अजय कैसे बने, ये कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। माँ ने 10 साल तक कठोर तप किया, तब जाकर संजय जायसवाल की किस्मत में सिकंदर बनने का योग आया। माँ ने 10 साल तक अन्न का एक दाना नहीं खाया, उपवास रखती थी ताकि बेटा एक दिन राजनीति में ऊंचा मुकाम हासिल करे। और एक माँ के कठोर तप और जिद के आगे किस्मत के रचयिता ब्रह्मा को भी झुकना पड़ा। संजय जायसवाल विधायक बने तो माँ ने व्रत तोड़ा और तब जाकर अन्न खाना शुरू किया। पहली बार विधायक बनने के कुछ दिन बाद मां ने फिर से व्रत शुरू कर दिया और अब तक व्रत करती आ रही है। यानी कुल मिलाकर संजय जायसवाल की मां 20 सालों से व्रत कर रही हैं। संजय प्रताप जायसवाल को विधायक बनाने में मां की छांव का ही योगदान है। 2002 में रुधौली से संजय जायसवाल को चुनाव लड़ने का पहली बार मौका मिला। उसी वक्त उनकी माँ माया देवी ने उनकी जीत के लिए उपवास रखना शुरू किया। 10 साल की कठिन साधना के बाद आया साल 2012, जब संजय प्रताप जायसवाल कांग्रेस के टिकट पर रुधौली सीट से विधायक बन गए। संजय जायसवाल की मां का व्रत 20 साल से चल रहा है। 2013 में उन्होंने व्रत तोड़ा था, फिर 2014 से बेटे के लिए उनका उपवास अनवरत जारी है। पिछले 20 साल से उन्होंने अन्न ग्रहण नहीं किया, मात्र फलाहार पर जी रही है। प्रण लिया है कि बेटे को राजनीति की बुलंदियों पर पहुंचाना है। संजय जायसवाल देहरादून से इंटर तक की शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं, फिर उनका पढ़ाई में मन नहीं लगा और लौट कर बस्ती आ गए और राजनीति में कदम रखा। संजय जायसवाल की शादी 1994 में संगीता जायसवाल के साथ हुई। 1997 में संजय जायसवाल के पिता का देहांत हुआ। संजय जायसवाल ने वर्ष 2002 में राजनीति में कदम रखा। सबसे पहले रामनगर विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़े, उसके बाद 2007 में रामनगर विधानसभा से ही कांग्रेस के टिकट पर लड़े। 2008 में खलीलाबाद लोकसभा का उपचुनाव कांग्रेस से लड़े और तीसरे नंबर पर रहे। फिर 2012 में कांग्रेस से लड़े और 10 साल बाद जीत हासिल हुई। फिर 2017 में बीजेपी का दामन थाम लिया और जीत गए। वैसे ही हम 22 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और जो वादे इन्हीं कारणों से छूट गए हैं या जो कमियां रह गई हैं, उन्हें हम 22 में सरकार बनाने के बाद जरूर पूरा करेंगे। संजय जायसवाल धुन के पक्के नेता है। कमिटमेंट मतलब कमिटमेंट, और उनकी यही अदा विरोधियों की आंखों में शूल की तरह छुपती है। इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है साल 2020 में तत्कालीन डीएम से बढ़ा उनका विवाद। अगर अफसर अकड़ता है तो संजय जायसवाल उसे सीधा करना भी जानते हैं। और तो और, अगर जिले में कहीं अवैध कब्जा होता है तो वो उसके खिलाफ भी आवाज उठाते हैं। संजय जायसवाल की सबसे बड़ी खूबी उनका रॉबिनहुड स्टाइल नहीं है, बल्कि उनके काम करने का अंदाज है। संजय के पास जाने वाले शख्स की समस्या ठीक उतने ही दिन में सॉल्व होती है जितने दिन में संजय चाहते हैं। पहले वो अधिकारियों को चिट्ठी लिखते हैं, काम नहीं बना तो फोन करते हैं, और अगर अधिकारी इससे भी सीधा नहीं हुआ तो सीधे दफ्तर पर आ धमकते हैं। आम आदमी के लिए एक विधायक का यही जुझारूपन उन्हें उनके इलाके में लोकप्रिय बना देता है। काम करने का मोदी स्टाइल, काम करवाने का योगी स्टाइल, और पब्लिक के सुनने का उनका अपना स्टाइल। संजय जायसवाल इन तीनों स्टाइल को मिलाकर तैयार होते हैं।
जहां सख्ती की जरूरत है वहां सख्त हो जाते हैं और जहां नर्म पड़ना होता है बड़े आराम से काम निकलवाते हैं। संजय जायसवाल यूपी के उन चुनिंदा विधायकों में गिने जाते हैं जो अपने विधायक निधि का शत प्रतिशत इस्तेमाल करते हैं और पिछले दो कार्यकाल में संजय प्रताप जायसवाल का ये रिकॉर्ड लगातार कायम है। नाली गली से लेकर सड़क तक, अस्पतालों में इलाज से लेकर गरीब बेटियों की शादी तक, बीमार की मदद से लेकर गरीब बच्चों की पढ़ाई तक, संजय जायसवाल रुधौली में किसी को रोते नहीं देख सकते। उम्र हो गई 51 साल लेकिन अभी भी फिटनेस फ्रिक है। ट्रेडमिल पर घंटों पसीना बहाते हैं, एक्सरसाइज डेली रूटीन में शामिल है। यही वजह है कि घंटों घंटों इलाके में जनसभा और डोर टू डोर कैंपेनिंग के बाद भी चेहरे पर थकान नहीं दिखता। रुधौली बाजार चीनी मिल के लिए मशहूर है लेकिन अगर गन्ना किसानों का वक्त पर भुगतान नहीं होता तो वो फौरन विधानसभा में आवाज उठाते हैं। संजय जायसवाल ऐसे विधायक हैं जो गलत के खिलाफ बेखौफ होकर बोलते हैं, फिर चाहे सामने सरकार ही क्यों ना हो। संजय जायसवाल ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की किल्लत और अस्पतालों में बेड ना होने का मुद्दा उठाया और बिना डरे सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिख डाला। उनकी यही बेबाकी कभी कभी उनका बड़ा नुकसान कर जाती है लेकिन इस फिक्र से दूर वो बस पब्लिक के लिए सच्ची निष्ठा से अपना काम करते रहते हैं और इसीलिए पूरा फंड भी खर्च कर पाते हैं। दूसरे प्रतिनिधियों पर दबाव बनाते हैं कि वो जनता के लिए मिले फंड का एक एक पाई खर्च करें। संजय जायसवाल ने कई बीमारों का इलाज करवाया और संजय जायसवाल ने लीक से हटकर अपने इलाके की जनता की मदद के लिए संजय सेना नाम की एक टीम बनाई जो परेशान लोगों की समस्या उन तक पहुंचाती है और संजय सेना निर्देश मिलते ही तत्काल उस पर काम करती है। किसी तरह की दिक्कत का निदान संजय सेना फौरन करती है। संजय सेना पूरे रुधौली विधानसभा में गरीब परेशान मजबूर लोगों के लिए एक मसीहा है। किसी भी विधानसभा का फरियादी हो या किसी क्षेत्र का वासी हो, समस्या कैसी भी क्यों ना हो, शासन प्रशासन से लड़ना और लड़कर पीड़ितों को इंसाफ दिलाना संजय को एक बड़े नेता की छवि स्थापित करने का मौका देता है, जिसका उदाहरण है शहर में चर्च के किरायेदारों की दुकान को जब प्रशासन ने बुलडोजर से तोड़ा, गरीब दुकानदारों को तत्कालीन डीएम ने जबरन खाली कराया जिसके बाद दुकानदारों की सुध लेने वाला कोई नहीं था, थक हार कर बेबस दुकानदारों ने संजय की चौखट पर गुहार लगाई, संजय ने उन्हें निराश नहीं किया, ढाल बनकर प्रशासन के सामने आ गए, मुख्यमंत्री से दुकानदारों की रोजी रोटी के लिए लड़ गए, अड़ गए, जिसका नतीजा था कि प्रशासन को बैकफुट पर आना ही पड़ा और दुकानदारों को फिर से उनकी रोजी रोटी का साधन, उनकी जमीन और दुकान वापस मिल गया। गरीब और मजलूमों की आवाज को सत्ता के गलियारों तक पहुंचाना और हुक्मरानों से उनके हक में न्याय दिलाना एक न्यायाधीश की भूमिका में उन्हें खड़ा करता है। उनके विरोधी उनमें ऐब देखने की हजारों साजिशें कर चुके हैं पर हर साजिश को मुंह की खानी पड़ी है। इरादों के पक्के संजय प्रताप जायसवाल आज रुधौली के लिए एक भरोसा बन चुके हैं, तभी तो पब्लिक भी उन्हें देखते ही बोल पड़ती है, नेता हो तो संजय जायसवाल के जैसा।